आलू बुखारे की चटपटी जायकेदार चटनी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन, शिमला मिर्च और ढेर सारा आलू बुखारा, मतलब प्लम। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा। अब इन दोनों को अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। साबुत 3 लाल मिर्चें। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन और प्याज। यहाँ मैंने 2 पूरी गांठ लहसुन की ली हैं, 6 प्याज ली हैं। इन सबको अब हम सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही करना है। इसको सौते करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ मैंने 1 चम्मच ली है देगी मिर्च, ताकि चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आए। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें बचा हुआ सामान, यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए थे काट के, 10 मैंने आलू बुखारे को लिया था काट के और 1 बड़ा शिमला मिर्च काट के लिया था। अब इस सब सामान को भी अच्छी तरह से मिलाएंगे और लगभग 2 मिनट तक सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे हम इसको लगातार चला के भूनते रहेंगे तो नमक के साथ मिलके ये वाटर रिलीज़ करेगा और उसी पानी में फिर इसको हमें धीमी धीमी आँच पर पकाना है। तो देखिए, अब इसको हम ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और चेक कर लेते हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गया है और जो हमने प्लम आलू बुखारा डाला था वो भी अच्छे से गल गया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब इसमें क्या करेंगे, ये करी पत्ता डालना है। करी पत्ते को ऐड करेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। करी पत्ता मैंने छौंक में नहीं डाला था, वो मैं ऊपर से डालूंगी। अब इसको मिक्स करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसको बढ़िया सी चटनी पीस लेंगे। सो दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाई बनाकर आलू बुखारे की बढ़िया सी चटनी। इस चटनी के साथ आप कुछ भी खाइए, जो आपका मन करे, चाहे रूखी खा लीजिए, इतनी बढ़िया बनी है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। आप सभी अपना ध्यान रखें।